हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:45 और लास्ट डे हमारा माउंट आबू पे, और हम लोग जा रहे हैं टॉर्च रॉक, वो ऊपर है नक्की लेक के दूसरे साइड, हनीमून पॉइंट के दूसरे साइड ऊपर माउंटेन पे। तो वहाँ के इतनी ठंड बोला भी नहीं जा रहा, तो वहाँ ऊपर माउंटेन पे वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद नीचे उतर के नक्की लेक पे बोटिंग करेंगे। तो अभी दो ही प्लान है, देखते हैं अभी नीचे जाके कुछ एक दो प्लेसेस और विजिट करें, कितना जल्दी फ्री होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो चलते हैं जल्दी टॉर्च रॉक पे। और कल जो है पूरी रोड भरी हुई थी, सुबह भी 9 बजे के आसपास, एज यू कैन सी आज मंडे है, पूरी रोड खाली है, शॉप भी अपन अभी ओपन नहीं हुई है और हम दोनों ही सिर्फ टूरिस्ट की तरह घूम रहे हैं और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम यहाँ पे आ गए नक्की लेक के गेट पे, यहाँ से राइट तरफ जाएंगे तो सनसेट पॉइंट हनीमून पॉइंट है जो हम कल गए थे, और यहाँ लेफ्ट साइड पर जो रास्ता है वहाँ तक जाए, वहाँ से जाएंगे तो हम जाएंगे टॉर्च रॉक। सांस फूल गई ऐसी बहुत, पता नहीं क्यों, उदयपुर में भी था, थोड़ा चलना था प्लेसेस पे जाने के लिए, बट माउंट आबू में बहुत चलना है, या तो ऊपर माउंटेन पे चलना है चल के जाना है, या ऐसे ही सुबह 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 हालत खराब हो गई और ज़्यादा खा के आते हैं नाश्ता तो मिलते हैं थोड़ी देर में सांस लेके। और ये सीढ़ियाँ ख़त्म, झाड़ पे चढ़ना, ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ से। क्या ये तो ट्रैकिंग करने आई है? अंजलि ट्रैकिंग करते हुए आ जाओ। जय हनुमान जी। आ जाओ, बस ऑलमोस्ट पहुँच गए ऊपर। और अंजलि यहाँ वार्म अप करते हुए पूछा तुम्हारी। हाँ मुझे समझ नहीं आता मेरा जिम जाता कहाँ पर है। इतना जिम करते हैं फिर भी इतनी सी चढ़ाई में थक गए, पर बहुत स्टीप है, एकदम ही ऊपर है। करन बहाने मत दे तू, क्यों हम दोनों बुढ़े हम दोनों बुढ़े हमें जाना सब जगह, हम मर मर के जाते हैं, हर जगह पहुंचते हैं मर मर के, पर पहुंच जाते हैं हर जगह, पहुंच जाते हैं। आपने अंजलि को देखा साइकिल वीडियो में? साइकिल में तो मेरा आशु नहीं बोला था, मुझे भी बहुत प्राउड हो रहा है, मुझे तो उड़ जाएगी, हमें लगा था अंजलि नहीं कर पाएगी। वो साइकिलिंग वाले ने मुझे ऑप्शन दिया, आपको रुकना है तो रुक जाओ, हम वापस आते हैं। हाँ मैं चढ़ूंगी, बड़ी मर मर के चढ़ूंगी, बट अब एक काम करना, टॉट रॉक से ऐसे गोल गोल होकर नीचे आ जाना, ठीक है, बालू की तरह। तो ये आ गया टॉट रॉक, यहाँ से ऊपर चढ़ना है, बट थोड़ी देर यहाँ रुके। क्या क्या रो रही है, क्या हुआ? रो रहा कि हम असली साइकिल कोई दिखाते नहीं व्लॉग में, इतनी उसी कैसे पहुँचते हैं लोग, ऐसे बोलते हैं मजा आ गया, मजा आ गया, मेरे को मजा आता है, बट जो बीच का सफर है वो क्यों नहीं बताते कोई भी। और ये पता नहीं किसके आंसू गम खुशी क्या, पहुंच गए उसके आंसू है या फिर नहीं पहुंच, मैं पहुंची उसके आंसू है। और ये बाहर निकलते हुए ब्लॉगर की व्यथा 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 व्लॉगर्स लाइफ, व्लॉगर्स लाइफ, इट सक्स। फाइनली हमने हिम्मत जुटा ली ऊपर जाने के लिए, चलते हैं, फाइनल स्ट्रेच बचा, कंप्लीट करते हैं। फाइनली पहुंच गए टॉर्च रॉक, टॉर्च रॉक मतलब ये ऐसा पत्थर बैंड हुआ है, और तो टॉर्च रॉक में होगी फोटोग्राफी, यहाँ पे बस कुछ नहीं देखने लायक, ये एक पत्थर है जो बैंड हुआ हुआ
बस इतना ही है। और यहाँ से व्यू अच्छा है, तो हमने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कर ली है, रील्स बना ली इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप फॉलो नहीं करें तो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ आपका फोटोज़ वोटो सब मिल जाएगी। और अभी यहाँ से नीचे उतरते हैं, नक्की लेक में बोटिंग के लिए जाना है, तो देखते हैं। अभी जब लोग ऊपर आ रहे थे तब तो बोटिंग बंद थी, लेट्स सी नीचे आते देखते हैं बोटिंग ऑन है या नहीं है। और यहाँ से हम टॉड रॉक पे ऊपर तक आई गेस जा सकते हैं, लेट्स सी। यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं टॉड रॉक में, इससे ऊपर जा तो सकते हैं। यहाँ से चल के जा सकते हैं ऊपर तक। मैंने देखा है काफ़ी लोग ऊपर जाके फोटोग्राफी करते हैं, बट मैं नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ से फिसल गए तो फिर नीचे कुछ है नहीं। तो यहाँ तक आप आ सकते हो, यहाँ से इतना ऊपर, यहाँ पे भी जा सकते हो, बट वो आपके भरोसे है, वहाँ जाके फोटोग्राफी आपको करनी है नहीं, बिकॉज यहाँ से आपको व्यू बहुत अच्छा मिल जाता है। वो कोने पे फोटोग्राफी हो गई, अब इस कोने की बारी है। मुझे लगता है आज एक दो घंटे हम यहीं पे रुकने वाले हैं। अंजलि, कितना प्लान है तेरा और फोटोग्राफी और रील्स बनाने का? बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं बोटिंग करके आ जाऊँ अकेले? बोटिंग खुली ही नहीं करेगा कहाँ से। हाँ वो तो है, अभी हम लोग गए थे नहीं, ये बोटिंग नहीं खुली थी, लेट्स सी वे हमारा पोपट ना जाए। मम्मी बोलेगा सारी बोट तुम ही ले जाओ, तुम ही कर लो, इतनी सुबह कोई नहीं आता है। होता है, ये लो साहब जी, आप जो मन पड़े वो बोट लेके जाओ, जो जितना मन पड़े उतना राउंड लगा क्या हो चलेगा। तो करण वहाँ शरबत पी रहा है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी उसकी व्लॉगिंग बिगाड़ती हूँ, तो मैं यहाँ बिगाड़ने आ गई। मैं पहले बहुत थकी थकी मरी मरी घूम रही थी, लेकिन लिटरली वर्थड है ऊपर आना। 2000 years later. So, मैंने आपको बोला था अभी भी हम लोग यहीं पे हैं, बज रहे हैं 10, आधे घंटे से ज़्यादा हमने फोटोग्राफी और रील्स और ये सब किया है। और जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे, एज यू कैन सी, सब चले गए। हम सब वेट करें या टॉड रॉक भी यहाँ से चला जाए। मुझे लगता है टॉड रॉक भी यहाँ से गिर जाएगा। भाई तुम रहने दो, तुम यहीं रहो, मैं चला जाऊँ, तुम यही बस जाओ, नाश्ता शरबत चाय कॉफी सब मिलता है। नींबू शरबत मैंने पिया था, अच्छा है। तो फाइनली पहुंच गए नीचे सही सलामत। जितना जल्दी नीचे उतर सकते उतना जल्दी ऊपर चढ़ सकते, तो क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, तो हर चीज़ उतरने की पोजीशन में होनी चाहिए। प्लीज़ इग्नोर करना इस बालिके को, वो बहुत थक गई है ऊपर नीचे करते हुए। अब देखते हैं बोटिंग, हाँ स्टार्ट हो गई है, दो तीन लोग दिख रहे हैं बोटिंग के लिए, तो चलते हैं अब बोटिंग करने के लिए, देखते हैं कर पाते हैं या नहीं।